बच्चों, आज मैं क्लास 1-2 सिविल्स पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है संविधान, शासन एवं आवश्यकता। हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में या उस देश में हम ऐसे ही नहीं रहते, बल्कि हमारे समाज के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, और उस नियम और कायदे के अंतर्गत हम सही है। हमारे समाज के नियम और कायदे संविधान के अंतर्गत नहीं होता, लेकिन ये नियम और कायदे हमारे पीढ़ियों से चले आए, और उससे अलग हटकर जब हम रहने की या कुछ करने की सोचते हैं तो हमें पहले सोचना पड़ता है, या समाज से अनुमति लेनी पड़ती है, या समाज देखता है कि हमारे द्वारा किया गया काम सही है। ठीक उसी तरह किसी देश को चलाने के लिए भी नियम होता है। पहले राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र में राजा अपने अनुसार नियम बनाते थे और जनता नहीं होती थी, प्रजा होती थी। उन नियमों को उन्हें मानना ही पड़ता, चाहे वो नियम अच्छे हो या बुरे हो, उन नियमों को या उन नियमों के विरोध में प्रजा को बोलने का अधिकार नहीं होता। लेकिन जब लोकतांत्रिक शासन पद्धति का जमाना आया, विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति कायम हुई, तो नियमों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद सरकार का गठन होता है, चुनाव होता है, फिर जनता के मौलिक अधिकार मिलते हैं, नीति निर्देशक तत्व तो होते हैं। इन सारी चीजों को हम मौखिक रूप से याद नहीं रख सकते, तो इन सारी चीजों को सही सही काम के रूप में लाने के लिए हमें नियमों को लिखित रूप में रखना आवश्यक है। और तब जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे नेताओं ने, हमारे देश की आज़ादी में भाग लेने वाले लोगों ने विश्व के देशों के जैसे अपने यहाँ भी लिखित संविधान की कामना की। उस लिखित संविधान को विश्व के लिखित संविधानों के अच्छाइयों को लेते हुए बनाया। तो संविधान हम उसे कह सकते हैं जिसमें नियमों को लिखित रूप में रखा है, या लिखित दस्तावेज उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान कानूनों तथा नियमों का दस्तावेज होता है, जिसके अनुसार किसी देश का शासन होता है। अब हम सभी आधुनिक राज्यों का अपना संविधान है और सरकारी तंत्र होता है। आधुनिक लोकतंत्र में संविधान होना आवश्यक चीज है। अगर वो देश में संविधान नहीं है तो वो लोकतांत्रिक देश नहीं। आज भी ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, अमेरिका में लिखित संविधान है, दक्षिण अफ्रीका में लिखित संविधान है, कनाडा में लिखित संविधान है, भारत में लिखित संविधान है, लेकिन आज भी ब्रिटेन में संविधान लिखा हुआ नहीं। वहाँ लोग नियमों और अभिसमयों पर शासन करते हैं, लेकिन समय समय पर संसद के द्वारा पारित बहुत से कानून हैं, मैग्ना कार्टा, अधिकारों का प्रमाण पत्र, जो ये एक संविधान के रूप में प्रतिलिपि भी है, और इसी के आधार पर वहां शासन होता है। तो आज लोकतांत्रिक देश बिना संविधान के नहीं चल सकते। अब संविधान का, भारत का संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जो लिखित रूप में है। भारत का संविधान लिखा गया है और वो भारतीय संसद के द्वारा पारित, लोगों के द्वारा मान्य है। इसके धाराओं से हम छेड़छाड़ नहीं करते, इसमें परिवर्तन लाने के लिए हमें संसद में साधारण परिवर्तन के लिए साधारण बहुमत और ज्यादा परिवर्तन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, तब हम संविधान की धाराओं को छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब प्रस्तावना का क्या अर्थ है? तो किसी भी संविधान में जो संविधान के अंतर्गत बातें लिखी गई है उसको संक्षिप्त रूप में ऊपर लिखा जाता है, उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। तो प्रस्तावना का अर्थ है किसी वैधानिक दस्तावेज का
परिचय कि उसके बारे में क्या लिखा गया है। इसमें आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख होता है कि संविधान में क्या आधारभूत सिद्धांत, किस सिद्धांत के आधार पर यह संविधान लिखा गया है, तो इस संविधान का क्या आदर्श है, ये प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेखित है कि भारत एक प्रभुता संपन्न मतलब भारत के ऊपर किसी दूसरे राज्य का, किसी दूसरे राष्ट्र का अधिकार नहीं है। ये प्रभुता संपन्न मतलब सॉवरेंटी पावर इसका अपना है, इस पर किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं है। समाजवादी मतलब देश में रहने वाले लोगों को सब देश की सभी चीजों में बराबर हिस्सा होगा। लोकतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र, और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है। धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया जाएगा। राजनीति में धर्म से कोई मतलब नहीं, और गणतंत्र मतलब जहाँ का जो प्रमुख होगा उसे जनता के द्वारा चुना जाएगा, गणतंत्र है। प्रस्तावना में भारत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, तो भारतीय संविधान के आदर्शों को भी बताया गया है। न्याय, सभी को न्याय मिले, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिले, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, समानता, न्याय के सामने सभी को समानता मिले, समाज के सामने सभी को समानता मिले। आज भी हमारे समाज में बड़ी जाति और छोटी जाति लेकर असमानता है, लेकिन कानून पास करके इस तरह के विभेद करने वाले लोगों को सजा दी जाती है। बंधुत्व, देश में भाईचारा का माहौल होना चाहिए, आदर्श उसका उद्देश्य है, लोगों के बीच आदर्श की स्थिति होनी चाहिए। अधिकांश कानून अच्छे होते हैं, क्योंकि कानून बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, लोगों के हित के लिए बनाए जाते हैं, समाज के हित के लिए बनाए जाते हैं और देश के हित के लिए बनाए जाते हैं, वे लोगों के कल्याण के लिए। किसी भी देश का संविधान लोगों के लिए कोई भी नियम और कानून बनाता है तो उनके हितों को देखते हैं। अगर किसी चीज की कमी है तो उन कमी को खत्म करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए कानून अच्छे होते ही हैं, लेकिन कुछ कानून खराब भी होते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप ब्रिटिश काल में नमक का, नमक जैसी वस्तु पर भी ब्रिटिशों ने कानून बनाया था कि कोई भारतीय नमक बना नहीं सकता, बेच नहीं सकता। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था और दांडी मार्च करके साबरमती आश्रम से वो समुद्र के किनारे दांडी पहुंचे और नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो बहुत ऐसा कानून होता है जो गलत भी होता है और जिसका विरोध जनता के द्वारा किया जाता है, और नमक कानून को तोड़कर उन्होंने उस कानून की अवहेलना की थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं, या बच्चों आप समझ सकते हैं कि हमारे घर परिवार में कुछ नियम होते हैं, हर परिवार के अपने नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार परिवार चलता है। उसी तरह हमारे समाज के नियम होते हैं, तो देश में भी नियम से ही देश चलता है, और वो नियम का दस्तावेज या लिखा हुआ रूप संविधान है। आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, जितना किताब में ऑब्जेक्टिव है आप बना लीजिएगा, और क्वेश्चन भी बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा अगले क्लास में या अगले वीडियो में अगला चैप्टर। थैंक यू।